हेलो गाइस, दिस इज आदि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज का प्रोग्राम यह है, अभी बजे हैं शाम के 5:30 और हम सारे दोस्तों, तीन दोस्तों का कमिटमेंट था एक नई डेस्टिनेशन में जाने का। तो हमने अचानक से एक प्रोग्राम बनाया और शाम को 5:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है 10 बजे तक हम लोग बाइक चलाएँगे और उसके बाद जहाँ पहुँचेंगे वहीं रुक जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ हल्द्वानी में और हल्द्वानी से हम लोग निकल रहे हैं पहाड़ की ओर। शायद हम मे बी रानीखेत रुके हैं या उससे पहले कहीं भी, देखते हैं, रास्ते का पूरा लुत्फ लेते हैं और अंधेरा भी हो ही जाएगा हमको कुछ देर बाद, मुझे ऐसा लगता है। तो आज का जो ट्रिप है बहुत बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो सकता है क्योंकि ठंडा काफ़ी है और हमको जो बाइक चलानी है वो रात के अंधेरे में चलानी है। अब रात के 10 बजे तक या उसके आसपास, जब जहाँ तक हम बाइक चलाएँ, जहाँ तक हम थक गए या ठंडा ज़्यादा लग गया, तो हम लोग का वहाँ रुकने का प्लान है। अभी फ़िलहाल हम तीनों अपनी अपनी बाइकिंग जा रहे हैं। मेरे आगे चल रहा है नीरज अपनी पल्सर लेके और दिवस मेरे पीछे आ रहा है शायद, या वो आगे निकल गया और मेरे पीछे आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक मिले नहीं थे। अभी मैंने इसको देखा, मैंने बोला कि कार दुदा में मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे चलते हैं ना, कहीं ना कहीं आपस में हम लोग मिल जाएंगे। नीरज मेरे को मिल चुका है क्योंकि कार दुदा में हमारा था कि ये दिवस भी देखो आगे बढ़ गया है, ये अपनी स्प्लेंडर से जा रहा है। तो हम तीन के तीन जा रहे हैं खूबसूरत डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। फ़िलहाल अभी रानीबाग पहुंचे हुए हैं, रानीबाग से जोलीकोट वाला रास्ता लेंगे फ़िलहाल हम, तब देखते हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया और ठंडा इतना विकट था भवाली में, तो मैंने वहाँ कवर ही नहीं किया। मैंने कहा अभी रहने दो, कुछ देर बाद दिखाता हूँ। कुछ देर बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं कैची मंदिर में। मैंने रात में कभी कैची मंदिर को देखा नहीं, लेकिन अभी ऊपर से देख रहा था तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये नीचे, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट जलती है तो बहुत अच्छा लगता है। सामने है कैची मंदिर जो काफ़ी वर्ल्ड में फेमस है, हल्द्वानी से बहुत आगे, करीब 35 किलोमीटर डिस्टेंस होगी इसकी हल्द्वानी से, और भवाली से करीब 8-9 किलोमीटर। तो अभी हम फिलहाल कैची मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये भाई साहब मेरे दो दोस्त, एक नीरज और दूसरा दिवस। और अभी हम रुके हैं भुजान में, रायता पकौड़ी और साथ में अंडे की भुजिया। तो जो ठंडा है ना रात का, वो इतना विकट है अभी, और रात के करीब बज सके 8:30 अभी। और अभी हमारे पास 1.5 घंटा और है, 1.5 घंटे तक हमें बाइक और चलानी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके लाल
फ़िलहाल रात के करीब 10 बज गए हैं, हम पहुंच गए हैं रानीखेत, और रानीखेत ऑलमोस्ट पूरा बंद हो चुका है क्योंकि हम लोग डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे, अभी तक हमको कोई मिला नहीं है। अभी हम रानीखेत के गांधी चौक में हैं, हमने यहाँ से मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट ढूंढे लेकिन हमको मिला नहीं। एटलीस्ट हमको एक मतलब डिनर तो करना ही करना है, देखते हैं। ये अगर रेस्टोरेंट खुला हुआ है मयूर, काफ़ी फेमस है, हाँ शायद खुला हुआ है, देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो भाई साहब हमको ये मयूर स्वीट्स है, एक सिर्फ यही दुकान मिली जहाँ पे हमको खाना मिला, लेकिन उन्होंने भी अंदर खाने के लिए मना कर दिया। अंशुल भाई वैसे मेरे पहचान के हैं, हाँ उन्होंने कहा कि पैक कर लो और बाहर बैठ के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमको 3 थाली दी है और हमने खाना पैक करवाया, ये थाली ले ली है। उन्होंने शाही पनीर लिया हुआ है और लिया हुआ है बटर नान। तो दिवस गया बिल पेमेंट करने के लिए, जोशी जी लाएंगे खाना, फिर हम बैठ के खाएंगे यहाँ पर खाना। अभी रात के बजे हैं 10 बज के, मतलब ऐसे रात में खाना खाने का मजा कुछ है, वो भी स्ट्रीट फूड हो गया अभी है। मतलब जो हम डिनर करने वाले थे वो स्ट्रीट फूड बन गया है। दिवस पेमेंट कितनी भी 350 रुपीज पेमेंट कर चुका है दिवस इन 3 प्लेट खाने का। इसमें एक शाही पनीर है और 6 बटर नान है ना, हम 6 बटर नान। चलो अभी हम लोग का ये प्लान बन गया कि हम लोग यहाँ रानीखेत में रुकेंगे नहीं, अभी यहाँ से हम लोग डिनर करने के बाद 1 घंटा चला के द्वारहाट पहुंचेंगे, क्योंकि वहां से फिर थोड़ी डिस्टेंस हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ दिवस का घर है, मेरा घर है, तो हम सोच रहे कि अपने गांव ही चले जाएं रहने के लिए। तो एक रात के लिए मतलब 1 घंटा और चलानी पड़ेगी बाइक, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कमिटमेंट उतरे नहीं कि हम 10 बजे वाली कमिटमेंट भी उतरे नहीं। कोई बात नहीं, 1 घंटा और बाइक लेंगे, रात के 11 बजे तक पहुंचेंगे। अपना गांव ही होता है। करीब हम रानीखेत से करीब 16-17 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और द्वारहाट करीब 18 किलोमीटर है, और 11:30 हमको वहाँ जाने तक मिल जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो काफ़ी खूबसूरत है, जो हम द्वारहाट से स्टार्ट करेंगे, तो वाला ब्लॉग भी जरूर देखना। और अगर ये ब्लॉग में रात में व्यू इतना अच्छा कुछ आता नहीं है, खाली आपको रोड ही रोड दिखाई दे रही है, थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है, तो आपको कैसा ब्लॉग लगा तो ये ज़रूर कमेंट में लिखना और नेक्स्ट ब्लॉग का जरूर इंतज़ार करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।